हेलो फ्रेंड्स हम जी टू पोस्टमैन की तैयारी कर रहे थे इससे पिछली वीडियो में हमने क्लोज नंबर 47 तक कर लिया था आज हम नेक्स्ट क्लोज करेंगे तो ये जितने भी क्लोज हैं फ्रेंड्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझने हैं क्योंकि इनमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इनको अगर आपने इनको अच्छे से समझा होगा तभी आप वो सॉल्व कर पाएंगे तो अभी जैसे मेरे पास क्लोज नंबर फोर्टी है ड्यूटीज़ ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट्स तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो डाकि है होते हैं और अन्य वितरण एजेंट होते हैं जो डाक वगैरह बांटते हैं उनकी क्या ड्यूटियाँ होती हैं फॉरविडन टू डिलीवर एनी आर्टिकल ओन विच एनी सम मनी इज़ ड्यू टू पोस्ट ऑफिस तो उनको ये मना किया गया है कि वो ऐसे किसी भी आर्टिकल की डिलीवरी नहीं करेंगे जिसके ऊपर अभी तक कोई भी जो शुल्क है वो दे है पोस्ट ऑफिस को मतलब कि अभी उसके ऊपर कोई पोस्टर या फिर कस्टम ड्यूटी जो है पोस्ट ऑफिस को अभी उसने देनी है अभी रिकवर करी जानी है उस आर्टिकल के ऊपर तो वो ऐसे आर्टिकल की डिलीवरी नहीं करेंगे फॉरवर्डन टू डिलीवर एनी रजिस्टर्ड इंश्योर्ड लेटर और पार्सल विदाउट ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑफ एड्रेसी एजेंट ओन रिसिप्ट और एक्नोलॉजमेंट इसके साथ साथ उनको यह भी मना किया गया है कि कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल इंश्योर्ड लेटर या फिर पार्सल जब भी वो डिलीवर करते हैं तो उसको बिना जो एड्रेसी है या एजेंट है उसके सिग्नेचर के बिना उसको डिलीवर नहीं करेंगे वो उसके सिग्नेचर लेंगे रिसिप्ट या फिर एक्नोलॉजमेंट पे तभी इन चीजों की रजिस्टर्ड इंश्योर्ड या फिर पार्सल की वो डिलीवरी करेंगे Forbidden टू डेविएट फ्रॉम देयर prescribed बीट अब जो उनकी निर्धारित बीट है जो उनकी गश्त है जहाँ पे वो डांक बांटने का काम करते हैं या जो उनके काम करने का क्षेत्र है उससे वो बाहर भी नहीं जाएंगे Not bound टू गिव चेंज तो इसके साथ साथ वो चेंज देने के लिए भी बाध्य नहीं होते हैं तो ये हमारे जो पोस्टमैन होते हैं डिलीवरी agents होते हैं उनको ये चीजें ध्यान में रखनी होती है नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर फोर्टी नाइन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स एट पोस्ट ऑफिस विदाउट ए डिलीवरी एजेंट डाकघर में वितरण एजेंट के बिना वस्तुओं का दिया जाना इन स्मॉल पोस्ट ऑफिस इन इन रूरल एरियाज एरिया नो सेपरेट पोस्टमैन और डिलीवरी एजेंट अटैच टू पोस्ट ऑफिस तो ऐसे छोटे पोस्ट ऑफिस में जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं जहां पे हमारे पास अलग से पोस्टमैन या फिर डिलीवरी एजेंट अटैच नहीं होता है पोस्ट ऑफिस के साथ वहां पे जो वो आर्टिकल्स है उनकी डिलीवरी कैसे की जाएगी पोस्ट मास्टर मेक अरेंजमेंट्स टू डिलीवर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होंगे उनकी डिलीवरी के लिए जो पोस्ट मास्टर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इसके लिए अरेंजमेंट करे कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को कैसे डिलीवर करना है फार रजिस्टर्ड आर्टिकल इंश्योर्ड आर्टिकल और पे मनी ऑर्डर एट पोस्ट ऑफिस और जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे इंश्योर्ड आर्टिकल्स होंगे या फिर मनी ऑर्डर की जो पेमेंट होगी वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पर ही की जाएगी उसके लिए एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस में आना पड़ेगा और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए पोस्ट मास्टर अरेंजमेंट करेगा वो देखेगा कि जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनकी डिलीवरी कैसे होनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर फिफ्टी रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स डाक वस्तु को लेने से इनकार करना एड्रेस नोट टू पे अमाउंट ड्यू ऑन आर्टिकल इफ़ नोट बाउंड टू टेक डिलीवरी अभी हमारे पास क्या है कि जो एड्रेस ही होगा जिसके लिए आर्टिकल भेजा गया होगा वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि जो उसको आर्टिकल भेजा अगर उसके ऊपर कोई भी ड्यू चार्जेस हैं वो उसको पे करने ही पड़ेंगे अगर वो आर्टिकल नहीं लेना चाहता है अगर वो आर्टिकल लेना ही नहीं चाहता तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो उसके ऊपर जो अमाउंट ड्यू है वो उसको पे करे रिफ्यूज रिटर्न एक्रोस जी कवर बाई पोस्टमैन तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा आर्टिकल होगा तो उसके जो उसका कवर होगा उसके एक्रॉस हमारा पोस्टमैन क्या लिख देगा रिफ्यूज नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर फिफ्टी वन ओब्लीगेशन टू पे चार्जेस प्रभार अदा करने का दायित्व मैन एड्रेसी टेक्स डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ओन विच एनी सम्यू टू पोस्ट ऑफिस अगर जो एड्रेसी है जिसके लिए आर्टिकल भेजा है वो ऐसी आर्टिकल की डिलीवरी ले, ले लेता है जिसके ऊपर कोई भी अभी तक जो ड्यू है कोई भी हमारे पास चार्जेज है उसके ऊपर अभी ड्यू है देने हैं पोस्ट ऑफिस को ही मस्ट पे दी अमाउंट मार्कड अपोनिट तो जो भी उसके ऊपर अमाउंट लिखी होगी वो उसको पे करनी पड़ेगी एनी कंप्लेट ऑफ ओवर चार्जेज मेड ओवर टू पोस्ट मास्टर ऑफ ऑफिस ऑफ डिलीवरी अगर हमारे पास अगर उस, उसको कोई भी कंप्लेंट करनी है एड्रेस ही को ओवर चार्जेस की मतलब कि उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो ज्यादा लिए गए हैं तो वो किसको करेगा पोस्ट मास्टर को करेगा जो ऑफिस ऑफ of डिलीवरी होगा जहाँ से आर्टिकल की डिलीवरी हो रही है वहां का जो पोस्ट मास्टर होगा उसको वह कंप्लेट कर सकता है नेक्स्ट हमारे पास रेमेडी ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर रिकवरी ऑफ चार्जेज ड्यू दे शुल्क की वसूली के लिए डाक घर का उपाय इफ़ अ पर्सन आफ्टर टेकिंग डिलीवरी रिफ्यूजेज टू पे अमाउंट ड्यू अगर हमारे पास कोई भी ऐसा पर्सन है वो डिलीवरी ले लेता है उसके बाद मना करता है कि वो जो उसके ऊपर अमाउंट ड्यू है कोई भी उसके ऊपर जो शुल्क दे है वो नहीं देगा तो फाइन अंडर पोस्ट ऑफिस एक्ट तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंडर एंड फर्दर द पावर ऑफ विद होल्डिंग अंडिल चार्जेज ड्यू आर नॉट रिकवर्ड एक्सेप्ट ओ आई जी एस डाघर को यह अधिकार है कि वह उस वस्तु को जो भारत सरकार सेवा पर ना हो बल्कि सामान्य रूप से भेजा गया हो उसे तब तक रोका जा सकता है जब तक देय प्रभार ना वसूला जा सके नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 53 आर्टिकल्स मेलिशियली सेंट अनपेड लेख दुर्भावनापूर्ण रूप से अवैतनिक भेजेगे हेड ऑफ सर्कल सेटिस्फाइड एनी आर्टिकल मेलिशियसली सेंट फॉर दी पर्पज ए एड्रेस ही में रिमिट अमाउंट ऑफ पोस्टेज चार्ज्ड अपोनेट यदि सर्कल अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जिसके लिए लेख भेजा है दुर्भावनापूर्ण से नाराज करने के उद्देश्य से प्रेषित किया गया तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो सेंडर है जो भेजने वाला है वो कोई ऐसा आर्टिकल भेजता है एड्रेसी को जिससे उसका उसको वो नाराज कर रहा है या उसमें कुछ भी ऐसा हो कि उससे जो प्रेषित जो हमारा एड्रेसी है वो नाराज हो जाए तो अगर इस बात से जो हमारा हेड ऑफ सर्कल होता है सीपीएम होता है वो इस बात से संतुष्ट हो जाए कि हाँ ध्रावना पूर्ण एड्रेसी को निराश करने से उद्देश्य से प्रेषित किया गया है तो वह इस पर चार्जेस की जाने वाली रकम को माफ कर सकता है सुपरिटेंडेंट फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर रिमिट अमाउंट ऑफ पोस्टेज इन सच केसेस इफ नोट एक्सीड 10 रुपइस तो इसमें क्या है हमारे पास कि सुपरिटेंडेंट और हमारा जो फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर होगा वो ऐसे केसेस में 10 रुपये तक की जो रकम होगी उसको माफ कर सकता है ठीक है 10 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए इससे कम की रकम को वो माफ कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 54 कोरेस्पोंडेंस फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल रक्षा सेवा कर्मी के लिए पत्राचार आर्टिकल्स एड्रेस टू टू ऑफिसर्स और अदर रैंक ऑफ डिफेंस सर्विस सर्विसेज यूनिट्स डिलीवर्ड इन ऑर्डरली मैनर और टू परसेंट डिप्यूटेड बाई सी ओ कमांडिंग ऑफिसर तो इसमें क्या हमारे पास कि कोई भी ऐसा आर्टिकल जो किसी ऑफिसर या फिर अदर रैंक पे जो है डिफेंस सर्विस यूनिट्स में है अगर उनको भेजा जाता है तो वो एक ऑर्डरली मैनर मतलब कि सुचारू रूप से उसको डिलीवर किया जाएगा या फिर हमारे पास ऐसे पर्सन को डिलीवर किया जाएगा जिसको कमांडिंग ऑफिसर द्वारा डिप्यूटेड किया गया होगा कि वो इन आर्टिकल्स की डिलीवरी प्राप्त करेगा इनकी डिलीवरी देगा आर्टिकल ऑन बिच पोस्टेज इज ड्यू रिटर्न टू सेंडर एज अनडिलीवरेबल तो अगर कोई ऐसा आर्टिकल है ठीक है कोई जिसके ऊपर कोई भी पोस्टेज ड्यू है कोई भी हमारे पास शुल्क जो है दे है और वो हमने डिफेंस सर्विस पर्सनल को भेजा है तो इसमें क्या होगा कि उसको रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा उसको भेजने वाले को वापस कर दिया जाएगा एज अनडिलीवरेबल डिलीवर करने योग्य नहीं है पोस्टेज ड्यू ऑन इन लेटर कार्ड कोल्ड लेटर्स एंड ग्रीन एनिवल अभी हमारे पास जो इन लेटर कार्ड ठीक है फोर्थ सीज लेटर सैन्य पत्र या फिर ग्रीन एनवेल्पीज माने जाने वाले या कहे जाने वाले ऐसे इन लेटर कार्ड्स के अगर ऊपर हमारे पास पोस्टेज ड्यू है इस प्रीपेड अंडर स्पेशल अरेंजमेंट्स तो उस ड्यू को पहले ही प्रीपेड किया जाता है उसके ऊपर पूरा भुगतान किया जाता है अंडर स्पेशल अरेंजमेंट स्पेशल प्रबंध किया जाता है इसके लिए उसको पहले ही प्रीपेड किया जाता है जो भी हमारे पास सैन्य लैटप पत्र होते हैं या फिर ग्रीन एनवेल्पीज होते हैं जो इनलैंड लेटर कार्ड के होते हैं उनको पहले ही प्रीपेड किया जाता है नो रिकवरी फ्रॉम द एड्रेसी ऑफ फोर्सेस लेटर्स एंड ग्रीन एनोवेल्पीज बिच वेयर द डेट स्टैंप ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस तो इसमें क्या हमारे पास कि जो फोर्सेस लेटर्स सैन्य पत्र या फिर ग्रीन एनवल्पीज हैं जिनके ऊपर आर्मी पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप लगी हुई है उनके एड्रेसी से कोई भी हमारे पास जो अमाउंट uh, है वो रिकवर नहीं किया जाएगा कोई भी उनके ऊपर ड्यू वगैरह नहीं प्राप्त किया जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे यहाँ तक हमारा जो क्लोज नंबर 54 है यहाँ तक हो जाता है तो इसके बाद हमारा क्लोज नंबर 55 और जो 56 है वो हमारे पोस्ट बाय और हमारे पोस्ट बुक्सिस के बारे में तो हम उसके बारे में कल पढ़ेंगे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी आप इतना इतना याद करते रहेंगे तो आपका बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले तक का आपका सारे का सारा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा और आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगी एकदम से आप सारे का सारा पढ़ेंगे तो ना आप याद कर पाएंगे ना उसको अच्छे से समझ पाएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे ताकि आपका ये कवर भी हो जाए और आप इसको आसानी से याद भी कर पाएँ ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू